प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फ्रांस पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। पेंशन सुधार आंदोलन पर फ्रांस पुलिस सख्त है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों के पुलिस फोर्स पर हमले हुए हैं। पेरिस की सड़कों पर पुलिस पब्लिक के बीच हाथापाई हुई है। पुलिस का एक्शन तेज है, पुलिस पब्लिक में हाथापाई हुई है। 15 शहरों में ये बवाल मचा हुआ है पेंशन सुधार को लेकर के। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए हैं ताकि भीड़ को वहां से हटाया जा सके। एक और जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई है कि पेंशन सुधार नहीं हुए तो जल उठेगा फ्रांस, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। प्रदर्शनकारियों के बीच भारी नाराजगी है। पेंशन सुधार मैक्रो सरकार की तानाशाही है, प्रदर्शनकारियों का ये कहना है। फ्रांस के 15 शहरों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का विरोध अब बहुत तेज हो गया है और इसी वजह से कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया है। पेरिस समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। पेंशन हड़ताल से रेलवे, स्कूल, शिक्षण संस्थान सभी प्रभावित हैं। कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सर्विस भी बंद की गई है।